पाकिस्तान की सरकार और सेना की इज्जत बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने तुर्की जाने का फैसला किया और वहां पहुंच भी गए। शहबाज शरीफ तुर्की के न्योते पर गए हैं या फिर जबरदस्ती, वो कुछ समय में पता चल जाएगा। तुर्की दूर ना हो जाए इसलिए शहबाज शरीफ अचानक वहां पहुंच गए, लेकिन पीछे से चीन पाकिस्तान में कामकाज बंद करके निकल गया। पाकिस्तान अपने एक दोस्त को बचाने के लिए दौड़ा था, लेकिन दूसरा दोस्त हाथ से निकल गया। इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तुर्की पहुंचने का मकसद मदद से ज्यादा वहां भारत की मौजूदगी को जांचना है। पाकिस्तान पहले ही भारत और तुर्की की नजदीकी की वजह से दबाव झेल रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर अब तक पाकिस्तान को सबसे बड़ा समर्थन तुर्की से ही मिलता आया है। पाकिस्तान को यही डर खाए जा रहा है कि कहीं तुर्की ने भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह कश्मीर से दूरी तो नहीं बना ली है। बहरहाल पाकिस्तान भारत और तुर्की के इसी गुणा भाग में लगा था और उसी के सबसे करीबी चीन ने उसे करारा तमाचा मार दिया। खबरों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा चीन ने इस्लामाबाद में अपना काउंसलर ऑफिस भी अचानक बंद कर दिया है। टीटीपी और बलूच विद्रोहियों से लगातार मिल रहे हमलों की धमकियों के बाद चीन ने यह बड़ा कदम उठाया है। चीन ने जैसे ही पाकिस्तान में अपना काउंसलर ऑफिस बंद किया, उसी समय से पाकिस्तानियों को वीजा मिलना बंद हो गया। पिछले हफ्ते ही चीन ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को एक सख्त एडवाइजरी भी जारी की थी। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहद खराब हैं और वहां रहना खतरनाक हो सकता है, लिहाजा चीन के नागरिक अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शंस की झड़ी लगा दी है। चीन हाल ही में आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे चुका है। चीन ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे पर भारत का साथ दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को जब वैश्विक आतंकी घोषित किया गया तो चीन ने इसका समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है कि चीन लगातार इस मुद्दे पर पहले अड़ंगे डालता रहता था, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान को सबके सामने विरोध झेलने के लिए छोड़ दिया। चीन ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से यह भी कह दिया कि अगर वो आईएमएफ से लोन लेना चाहता है तो उसे आईएमएफ की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। चीन ने साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया कि वो अब आईएमएफ से उसकी सिफारिशें नहीं करेगा। चीन पाकिस्तान में पूरी तरह से डूब चुके सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर बेहद नाराज और परेशान है। चीन सीपेक में काम कर रहे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित है। बलूच विद्रोही और टीटीपी के आतंकी रोज चीन के वर्कर्स को चुन चुन कर मार रहे हैं। सीपेक प्रोजेक्ट के डूबने और अपने ही नागरिकों पर हमला होने की वजह से चीन की सरकार को अब अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है।